एमएसआरटीसी द्वारा प्रायोजित रत्नागिरी दर्शन फेरी के भाग एक में गणेश गुले मंदिर, आडिवरे महाकाली मंदिर देखा। भाग दो में कनकादित्य मंदिर और स्वामी स्वरूपानंद मंदिर देखा, जो कि पावस में स्थित है। भाग तीन में हम लोग चलेंगे। हम लोग आ गए रत्नदुर्ग किला, ये देखो। रत्नदुर्ग किला वैसे है तो बहुत ऊंचा सी लेवल से, लेकिन पर्यटन को इजी बनाने के लिए किले के दरवाजे तक उन्होंने बस सर्विस दिया है रास्ता बनाकर। लेकिन सबसे पहले पेट महाराज का पूजा। किले के मुख्य दरवाजे के सामने ही स्नैक सेंटर है, उसके अंदर आप जब घुसेंगे तब आपको ऊपर से समझ में आएगा कि आप कितने ऊपर है। नजारा बहुत सुंदर है। दो मराठा योद्धा हाथी पे सवार होकर मुख्य दरवाजे के सामने खड़े हैं आप सबका स्वागत करने के लिए। मुख्य द्वार का शायद रिनोवेशन किया है, क्योंकि पेंट और जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो ताज़ा थे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह पर लगे हुए आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे किले का आपको मैप भी दिखेगा। पाँच दस मिनट के चढ़ान के बाद जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पे भगवती मंदिर दिखेगा। ये देवी भगवती का मंदिर है किले के ऊपर। भगवती शब्द हिंदू धर्म में तीन देवियों के साथ जुड़ता है, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। ये एग्जैक्टली कौन से भगवती का मंदिर है इसका जानकारी मैं नहीं जुटा पाया। मंदिर में गर्भ का जो परिसर है आसपास का पूरा, वो बहुत बड़ा है। घुसते से ही आपको एक शेर दिखेगा और सामने कछुआ था। ये देवी भगवती का मूर्ति है। हॉल विशाल है। देवी के दर्शन के बाद अब बारी है पूरा किला घूमने का। चलिए चलते हैं। जैसे ही आप किले के दीवार से बाहर झांकेंगे आपको नीला समुंदर दिखेगा और ऊपर नीला आकाश। थोड़े थोड़े बादल भी थे लेकिन बहुत अच्छा सुंदर मौसम था। कुल मिलाकर चार बुरुज मेरे नजरों में आया। ये पहला बुरुज है, रेड़े बुरुज। इसके आगे जैसे जैसे देखेंगे आपको नाम मालूम पड़ता जाएगा। ये दूसरा बुरुज है। यहाँ पर एक स्तूप भी है, लेकिन जानकारी नहीं जुटा पाया कि ये स्तूप किसका है, क्यों बनाया गया है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि चिपलुन में जो गोवलकोट फोर्ट है उसका और रत्नदुर्ग फोर्ट, मतलब ये वाला जो किला है, इसका बहुत गहरा संबंध है। चिपलुन का जो गोवलकोट फोर्ट है वहाँ पे एक उत्तर दरवाज़ा है, वहाँ से एक सुरंग निकलता है जो यहाँ रत्नागिरी के रत्नदुर्ग में, मतलब भगवती किला में बाहर निकलता है। ये एक खुफिया मार्ग था। जहाँ तक देखो समुंदर था और समुंदर में चलते छोटे छोटे नाव थे। क्योंकि ये रत्नदुर्ग फोर्ट एक सी फोर्ट है, तो इसका जो चारों बाजू है, एक तरफ छोड़कर तीनों साइड में इसको समुद्र है। एंड इसको जो एंट्री फी है वो कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एंट्री फी, परफेक्टली एकदम फ्री है, ठीक है। किले के ऊपर जो सपाट जमीन था वहाँ पर घास उगे थे और उन घासों का जो एक खास तरीके का फूल रहता है उससे जो पूरा परिसर है और भी सुंदर लग रहा था। बुरुज का जो दीवार थे उसके ऊपर लोग बैठे थे, वहाँ तक तो ठीक था, बड़ों के निरीक्षण में बच्चे भी थे, लेकिन उसके बाहर जाना बहुत खतरनाक था क्योंकि नीचे सीधा खाई था, गए तो गए। गहरे समंदर से जो लहरें उठती वो किनारे पे आकर इन बड़े बड़े पत्थरों पर टकराती, जो आप छोटे दिख रहे हैं। अब जूम करने के बाद आपको समझ में आएगा पत्थर कितने हैं। टकराने के बाद जो नमक का फेस बनता वो और खूबसूरत। किले पर लोग वास करते थे। जगह जगह पर हमें छोटे छोटे मंदिर दिखे। भगवती किला बहुत बड़ा नहीं है। पूरा भगवती किला देखने के लिए आपको लगभग 45 मिनट से लेकर एक घंटा लग जाएगा और इतने में आप पूरा किला ठीक से देख सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, भगवती किला बहुत ऊंचा है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितना हो सके उतने ऊपर तक बस सर्विस पहुंचाने का जरिया बनाया है, रास्ता बनाया है, जहां तक कार या गाड़ी कोई भी जा सके। भगवती किला के तीनों तरफ पानी है और एक तरफ जमीन। मैं जब इस तरफ आया जमीन के तरफ, तब मुझे ये बाउंड्री वॉल दिखा, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। धूप था पर मौसम अच्छा था, इसलिए बच्चों को भी मजा आ रहा था। जब आप किला का पूरा राउंड मार लेंगे, तो जब सामने की तरफ आएंगे तो आपको ऊपर से नीचे का जो स्नैक सेंटर है वो दिखेगा। वीणा वहीं पे आराम कर रही थी क्योंकि उसका तबीयत खराब था। तो भगवती किला देख के हो गया है, ओवरऑल आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा आपको देखने के लिए। बहुत सुंदर किला है, आओ तो देख के जाओ। चलो इसके आगे चलते हैं।